हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है और गर्मी में बहुत फायदेमंद है। इसके लिए चाहिए हमें एक पका हुआ बेल, पानी, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पिसा हुआ, 3 चम्मच शक्कर, दूध मैंने पहले से घोल के पानी में रखी हुई है, 1 नींबू का रस, गुलाबजा 1 चम्मच, कुछ पुदीने की हरी पत्तियाँ। ये देखिए, मैंने बेल को तोड़ लिया है, बेल अंदर से पूरा पका हुआ निकला है। अब हम इसको 1 चम्मच की मदद से इसके पल को एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने पल को एक बोल में निकाल लिया है और इसमें बीज बहुत ज्यादा होते हैं और बीज इसके कड़वे होते हैं, इसलिए हमको इससे सारे बीज की फोर्क की मदद से हमको बाहर निकालने हैं। सारे बीज निकाल लेने हैं, अगर ये बीज साथ में पीस गए तो ये शरबत कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमको सारे के सारे बीज ऐसे करके, देखिए ऐसे फोर्क से ऐसे सारे बीज हमको बाहर निकाल लेने हैं। देखिए, हमने सारे इससे बीज निकाल दिए हैं। ये देखिए, ऐसे करके आपको सब कुछ निकाल लेना है, पूरे बीज एक एक करके निकाल दिए। अगर इसमें एक ही बीज रह गया तो ये शरबत कड़वा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डाल के इसको सही से मिक्स कर लीजिए और अब इसको हम डालते हैं मिक्सी के जार में। ये मैंने इसको जार में निकाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी। अब इसको हम मिक्सर में लगा के इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब इसका देखिए, एक फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको एक छन्नी की मदद से हम इसको छान के इसका पूरा फल निकाल लेंगे। ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे करके इसको छान लेना है। ये देखिए, मैंने पूरा छान के इसका पेस्ट छान के पूरा निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल साफ है। अब इसमें हम डालते हैं नींबू का रस, भुना पिसा हुआ जीरा, काला नमक और ये शक्कर जो मैंने पहले से ही घोल के रखी, और इसको आपस में मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच गुलाबजा और फिर इसको भी मिक्स कर देंगे। ये बेल का शरबत हो गया तैयार। अब हम इसे सर्व।